इस बार मैं अपनी हार नहीं होने दूंगी बालवीर, नहीं होने दूंगी। डूबा डूबा भाइयों, है कर रहा मेरा भी मन बच्चों को खुश होते हुए देखने का। हाँ, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे बच्चे, झूम के सभी। हाँ सही तुमने डूबा डूबा चार। चलो है उठाते आज आनंद इमेजिका का जादुई कुंड में देखकर ही। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों को। आओ बहुत ही कैसे भयंकर परी इमेज का में। हाँ, दुबरवा चार, दुबरवा तीन। हाँ, तो परियों का संदेश खतरा का। खतरा, 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 परियों खतरा, खतरा, आप सभी परियों का जल्दी आइए, खतरा, खतरा। क्या हुआ डूबा डूबा, आपने ऐसे खतरे का संदेश क्यों भेजा? देख लीजिए आप खुद ही। रक्षा के लिए मैचिका जाना चाहिए। हाँ परियो, हमें चलना होगा, हमें बालवीर के साथ साथ बच्चों पर भी आने वाले खतरे से उन्हें बचाना होगा। चलिए बालवीर। हम सब तुम्हारा साथ देने आ गए हैं बालवीर। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर, हाँ परियो, आज भयंकर परी का निश्चित। भयंकर परी, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परी। बालवी आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, मैं ठीक हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर देता। शाबाश बालवीर, शुक्र है अब सब सुरक्षित है। भयंकर परी बहुत चालाक और वो हम पर दोबारा बात कर सकती है, इसीलिए हमें एक बार फिर से पूरी मैजिका की सुरक्षा जांच करनी चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि भयंकर परी अब यहाँ नहीं। और बालवीर इसके बाद तुम यहाँ पर फिर से एक नया सुरक्षा कवच लगा दो, ठीक है? ठीक है ना परी। हाँ बालवी, और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप जाइए। बालवी, बच्चों आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरे इमेजिका की सुरक्षा जांच कर ली, यहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। बालवीर अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाद में कोई खतरा हो सकता है ना? नहीं मानव, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच लगाया है, जिसमें से कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने का सोच भी नहीं सकती। अरे बच्चों, तुम लोग सब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे चलो बच्चों, थोड़ी देर में मैजिका की फेमस परेड शुरू होने वाली है। मैंने भी इस परेड के बारे में सुना है, ये बहुत ही अद्भुत और मनोरंजक होती है। सच्ची? फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ। वैसे इस परेड में खास क्या है? आपको पता है इसमें स्टंट, डांस, जगलिंग और इमेजिका के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं। हाँ। अब बच्चों, मैं तो इस परेड को जरूर देखना चाहूंगा, इसलिए मैं तो चला। एक मिनट बालवीर, जैसे बालवीर हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे हम बच्चे बालवीर को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, हम भी परेड देखने आएंगे, तो चलो परेड देखने। ये! चलो! 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 चलो!
शायद तुम भूल गए बालवीर कि तुम्हारी और परियों की सुरक्षा जांचने की शक्ति पानी के अंदर छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ सकती। हम अब करेंगे क्या आगे? मुझे लगता है भयंकर परी अभी भी मैजिका में है। बच्चों बच्चों तुम सब जाओ, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके ओके जल्दी करो। पानी काला कैसे हो गया? बहुत खेल खेल लिए तुमने भयंकर परी, लेकिन आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे हर खेल का अंत करके ही रहूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ बालवीर, तुम अपना जादुई दंड निकालो। भयंकर परी कहाँ गई? मैं क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि अब तुम मेरे कैदी हो बालवीर। तुम लाख कोशिश भी कर लो पर तुम इन जादुई बेड़ियों से निकल नहीं पाओगे। तुमने हर बार मेरा सामना बहुत ही बहादुरी से किया है बालवीर, और इसके लिए इनाम में तुम्हें तालियां तो मिलनी चाहिए। हो गया बालवीर का अंत। इसी के साथ मेरा पहला मकसद भी पूरा हो गया। अब मैं बालवीर के जादुई दंड को अपने दंड में मिला और महाशक्तिशाली हो जाऊंगी, और फिर पूरा करूंगी अपना दूसरा मकसद। हाँ बालवीर का जादुई दंड। परी भयंकर नहीं मिल रहा कहीं भी बालवीर का जादुई दंड। एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो तुम। अरे कर लेते आप काम सही। अब मिल नहीं रहा बालवीर का जादुई दंड, करे क्या? मिलेगा, जरूर मिलेगा मुझे बालवीर का जादुई दंड। कैसे मिलेगा? छी छी परी भयंकर, जाओ बालवीर का जादुई दंड ढूंढ कर लाओ, समझे? चाहे उसके लिए तुम्हें धरती और पाताल एक क्यों ना करना पड़े, जाओ। आप परी भयंकर, होगा तो नहीं कहीं ऐसा कि फिर से आ जाएगा बालवीर को होश और? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बालवीर नाम का पन्ना मैंने अच्छाई की किताब से हमेशा के लिए फाड़ दिया।
भयंकर परी बुराई अच्छाई को कुछ देर के लिए बेअसर कर सकती लेकिन हमेशा के लिए सुला नहीं सकती। पर हाँ, आज तुम्हारी हर बुरी चाल को मैं जरूर गहरी नींद में सुला दूंगी। अरे जब देखो तब काम काम काम, अरे मिलता नहीं कभी भी मुझे आराम। अरे देखो देखो है ये कितना सुंदर और अद्भुत मैजिक का है। अरे छोड़ो परी भयंकर को, जाता हूँ मैं वहाँ इन घोड़ों पे होने के लिए सवार। ए घोड़े आ रहा है मुझे बहुत मजा इस घोड़े पे। ए घोड़े चला के चलो फटाफट। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। मेरा जादुई दंड कहाँ गया? जरूर भयंकर परी ने अपने धमाके की मदद से उसे पाने की कोशिश की होगी। पर मैं अपने जादुई दंड को कैसे हासिल करूं? हाँ, मैं अपने हाथ में इस निशान की मदद से जादुई दंड को ढूंढ सकता हूँ। हे सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक परी तारा, जाग रही थी और बता कि कहाँ है मेरा जादुई डंडा? भयंकर परी ने एक जादुई डंड को ढूंढने के लिए कई सारे रूप लिए, इसलिए मुझे भयंकर परी से पहले अपने जादुई डंड को ढूंढना होगा और उस तक पहुंच के उसे हासिल करना होगा। मगर कैसे, कौन से रास्ते से जाऊं? हेलो बालवीर, अब तो सुनहरे रंग की मूर्ति है, तो आप बोल कैसे सकते हैं? मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। जैसे दुनिया की खुशी के लिए तुम उनके पास रहते हो, वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं परेड में भाग ले रहा हूँ। सभी लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तुम भी इस परेड से होकर डीटू तक पहुँच सकते हो। अच्छा हुआ कि वो भयंकर परी में नहीं है।
यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, तो फिर ये ऊपर कैसे चला गया? बच्चे नहीं है तो क्या हुआ बालवीर? मैं तो हूँ, और मुझसे अच्छा खेल कौन खेल सकता है? इसे मानना पड़ेगा बालवीर, तुम्हारे सामने मेरा इतना शक्तिशाली वार भी कमजोर पड़ गया। लेकिन अफसोस, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा जादुई दंड अब मुझसे नहीं बचेगा। नहीं रहा, अब तुम कैसे बचोगी मेरे बाद? भयंकर परी, उठो और सामना करो मेरा। हमारा सामना होगा बालवीर, जरूर होगा, और तब मेरा बार और भी खतरनाक। अब भयंकर परी फिर कभी इमेजिका में नहीं आएगी। क्यों बच्चों, मजा आया इमेजिका में? हाँ, हाँ बालवीर, हमने इमेजिका में बहुत मजा किया। हाँ बालवीर, यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले हैं और यहाँ पे कितनी अच्छी परेड होती है, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रेस्टोरेंट हैं, उनमें बहुत सारे वैरायटी का खाना मिलता है और वो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा माची पटकली, मुझे तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम दोबारा आएंगे अपनी मम्मी डैडी के साथ और मस्ती करेंगे। बच्चों, अब तो बारिश का सीजन भी शुरू हो गया है, अब तो मैजिका में और भी मजा आएगा।